हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हो रहा है सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम, और मॉर्निंग में देखो धूप बहुत अच्छी खिली हुई है, और यहाँ पे सब लगे हुए हैं अपने अपने कामों में रोजाना की तरह, क्योंकि जिसको जो दिखता है वही काम वो पकड़ लेता है। तो यहाँ पे लकड़ियाँ भी थी फाड़ने के लिए, तो मेरे हस्बैंड तो लकड़ियाँ फाड़ रहे थे, और जो मेरी छोटी बहन है वो सब्जियाँ निकाल रही थी। दिन के खाने की भी तैयारी हम लोग सुबह से ही करने लग जाते हैं। तो ये हस्बैंड रीना के हैं, ये जला रहे थे चूल्हे में आग, और पानी भी आपको पता ही है कि पानी भी चाहिए, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। तो आग हमारे यहाँ सुबह 6 बजे से जलने लग जाती है, और दिन में 12-1 बजे तक आग ही जलती रहती है चूल्हे पे, क्योंकि पानी के बिना तो काम ही नहीं होता है कुछ ना कुछ। तो जिसको जो काम दिखता है वो करने लग जाता है। और दीदी का काम है सुबह मॉर्निंग में नाश्ता बनाने का, तो सुबह नाश्ता बनाने का जो पूरा रूटीन होता है वो दीदी का ही होता है। और यहाँ पे बन रहे थे आज गैद के पराठे। तो गैद के पराठे तो हमारी फेवरेट डिश होती है, क्योंकि गढ़वालियों का भोजन ही ये होता है, और ये हमारे यहाँ मतलब रोजाना ही खाए जाते हैं, क्योंकि गैद के पराठे सर्दियों में बहुत गर्म भी होते हैं। रोजाना की तरह मेरा यही काम हो जाता है, कपड़े बाहर निकालो बाहर डालो, धूप आ गई है ऊपर छत में ले जाओ, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो मेरा तो पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है बाहर अंदर करते हुए। तो यहाँ पे नाश्ता भी तैयार हो चुका था, दीदी ने चाय बनाई थी आज केतली में। और बताइएगा केतली की चाय किस किस को अच्छी लगती है, और किस किस के यहाँ अभी तक केतली की चाय बनाई जाती है। और हमारे यहाँ तो खासकर केतली में ही चाय बनाई जाती है, फ्राई पैन का यूज हम कम ही करते हैं। तो केतली की चाय बहुत टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा मुझे तो बहुत पसंद है, निकालने में भी सुविधाजनक होती है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय निकाल रही थी, और रोटी बनाई थी जो मैंने आपको बताया था, पराठे गैद के पराठे, तो वो ले जाऊँगी, चाय ले जाऊँगी। और आप भी पीजिए गर्मा गर्म चाय, क्योंकि कड़ाके की ठंड हो रही है, और उसमें अगर गर्मा गर्म चाय हो जाए तो स्वाद दुगना हो जाता है। और यहाँ पे आज मक्खन ख़त्म हो चुका था मेरा, तो मुझे ओनली पराठे ही खाने पड़ेंगे चाय में। तो मक्खन मेरा 2-4 दिन बाद हो जाएगा तो ही कर पाऊंगी। तो यहाँ पे ओनली रिफाइंड ऑयल ही लगाया था दीदी ने, और घी भी, मतलब घी मैं इसलिए नहीं खा रही हूँ आजकल इसमें, क्योंकि मेरी बेटी को जुकाम लगा हुआ है, और अगर कच्चा घी खाऊंगी तो शायद जुकाम और ज़्यादा ना लग जाए। तो इसी वजह से मुझे ऐसे ही खाने पड़ेंगे चाय में। तो आप भी खाइए गर्मा गर्म नाश्ता, मेरा तो रेडी हो चुका था। और रीना काट रही थी यहाँ पे हरी सब्जियाँ। तो आज है सैटरडे, सैटरडे को दुकान क्लोज रहती है, तो ये सब लोग घर में ही थे। और यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी, क्योंकि मुझे जाना है आज अपनी बेटी को लेके टीकाकरण में। आज टीकाकरण होता है यहाँ पे रानी पोखरी में, तो दूसरे जो सैटरडे को यहाँ पे टीका लगाने वाली एनम आती है, तो वहाँ जाना था मुझे, तो इसलिए मैं तैयार हो रही थी। और साथ में जा रहा था हनी। हनी सोच रहा है कितनी दूर जा रही है मम्मी, तो मैंने उसे तैयार कर दिया था कि चलो मेरे साथ तुम भी चलोगे। और मैं हो चुकी हूँ तैयार, तो मिष्टी को लेके, और हनी भी जा रहा था। मैंने कहा यहीं पे जाएंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। और लकड़ियाँ देखो इन्होंने काट के यहाँ पे फैला दी है, फिर बाद में ही रखा जाएगा यहाँ पे। और हमारा जहाँ पे घर है उसके 2-3 मकान छोड़ के ही टीकाकरण होता है वहाँ पे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे मैं अपनी मिष्टी को टीका लगाने गई थी, तो अभी आई हूँ मैं टीका लगा के। उसको लगा है 1.5 महीने का टीका लगा है उसे, एक तो जो जांग पे लगता है यहाँ पे लगा है, और एक हाथ पे लगा है, और पोलियो भी पी है उसने आज। तो टीका लगाने के बाद आई हूँ मैं यहाँ पे, और कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, देखिए ये कुर्ती पहनी थी ये वाली, तो ये मेरी सिस्टर लेके आई थी मेरे लिए कुर्ती, पिछले साल लेके आ गई थी, तो पिछली सर्दी काट दी थी, अब ये वाली सर्दी भी ऐसे ही कटी, क्योंकि घर में मैं तो कहीं जाती हूँ नहीं, घर में ही रहती हूँ, तो ये भी इसलिए पहनी थी मैंने। मैंने कहा कहीं आना जाना होता नहीं है, तो चलो यहीं पे था, और ज़्यादा दूर नहीं गई थी, यहीं पड़ोस में ही है टीका लगाने के लिए भी। तो आज है सैटरडे, और सैटरडे को सभी लोग घर में हैं, जो मेरी बहन है छोटी वाली, तो उसने जिसने शॉप खोली हुई है यहाँ पे, वो भी आज घर में है, क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट रहता है बंद सैटरडे के दिन, रानी पोखरी का मार्केट क्लोज रहता है सारा। तो उसके हस्बैंड भी घर हैं, ओनली मेरे हस्बैंड घर नहीं है, मेरे हस्बैंड गए हुए हैं हरिद्वार, गए हुए हैं वो आज। और बड़ी वाली दीदी भी आज घर में ही है, वो सिलाई जाती थी, लेकिन आज उसकी भी क्लोज है सिलाई की दुकान, सभी लोग घर में हैं आज। तो चलिए चलते हैं किचन में। और आज
है बारी रीना की खाना बनाने की। बारी इसलिए क्योंकि आज है सैटरडे और सैटरडे के दिन रहती है छुट्टी, तो जिस दिन सैटरडे रहेगा उस दिन बनाएगी रीना खाना सारे परिवार का। और ये बना रही है यहाँ पे कड़ी, और इसने कड़ी डाल दी है। और क्या बना रही है? सब्जी बना रही है, हरी सब्जी। और मेरे लिए पानी भी गर्म हो रहा है, ये देखिए, मतलब मैं एक दिन में 2 पतीले पानी पी जाती हूँ पूरे, तो 1 पतीली तो अभी हो रही है गर्म, ये होगा खाने के टाइम से चलेगा शाम तक, फिर 2 पतीली रात में गर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे इसने सब्जी भी काटी है, बना दी, ये देखो इसकी हरी सब्जी भी बन रही है यहाँ पे। तो आज की ड्यूटी इसकी वैसे दीदी की रहती है, मैं तो किचन में कमी आती हूँ, मेरे को छुट्टी है खाना बनाने से, तो मैं ओनली अपनी बेटी की देखभाल और अपनी देखभाल करती हूँ, बस खाना बनाने ड्यूटी दोनों की इनकी। और देखते हैं दीदी क्या कर रही है यहाँ पे। तो दीदी भी रेस्ट कर रही है आज, ये देखिए दीदी यहाँ पे, दीदी चावल साफ कर रही है, ये नहाई है ना ये अभी। और यहाँ पे मिस मायरा सोई हुई है टीका लगने से, ये देखिए तो ये सो रखी है, और बच्चे वगैरह सब खेल रहे हैं यहाँ पे, तो ये नहाए नहीं है ये कल नहा गए थे कि परसों नहा गए थे तुम, कोई बात नहीं। तो ये दोनों हैं, एक मिनट दीदी बुला रही है। अच्छा ये देखो, तो ये दीदी चावल साफ कर रही है यहाँ पे, हेलो बोल रही है आपको, हाय बोलो। हाय। तो आज का पूरा काम धाम करेगी रीना और हम लोग करेंगे आराम। मैं तो रोज ही करती हूँ वैसे। रबी कहाँ गया? अच्छा, तो रीना के हस्बैंड गए हैं ऊपर वाले रूम में, आंसू के कमरे पे गए हैं वो, और यहाँ देख सकते हैं आप कितना अस्त व्यस्त हो गया। बच्चे ना, जिनके यहाँ बच्चे होते हैं ऐसे ही कर देते हैं। इसको 3 बार तो मैंने सही कर दिया, मेज वाले जो ये रहता ना बिछाया हुआ, ये देखिए, और उतनी बार मतलब ठीक करते रहो उतनी बार खराब होता है, इसलिए ठीक करना ही नहीं है। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा छत की तरफ भी देख के आ जाए हैं क्या क्या रखा है हमारे छत में। तो छत में देखो बहुत सारे कपड़े रखे हैं फैला के, और कपड़े तो रोजाना का ही काम है जो फैलाने पड़ते हैं। और यहाँ पे गेहूँ भी सुखाने के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हो चुका था आटा ख़त्म, तो हमने कहा गेहूँ भी डाल देते हैं सुखाने के लिए। और ये रजाई कंबल जितने भी बिस्तर होते हैं ये सुबह के सुबह मॉर्निंग में डल जाते हैं ऊपर, तो इनको भी पलटना होता है एक बार में। तो मैंने कहा चलिए ऊपर छत की तरफ भी आपको ले जाऊँ मैं, छत में क्या क्या डाला है। यहाँ पे बना रही है दीदी कवर, ये इसके लिए मिष्टी के लिए, ये ठंडे होते हैं ना बहुत ज़्यादा, कॉटन के हैं ये, तो ये वाला कवर बनेगा गरम वाला। तो दीदी में मशीन निकलवाई आज, कपड़े वगैरह भी फटे हुए हैं, कपड़े सिलेगी सारे के सारे। और कवर ये देखिए बनके तैयार हो चुका है, 2 बनेंगे इसमें से, एक तो ये बनी गया लगभग, एक मेरी सलवार भी है यार दीदी फटी हुई, वो भी सिल देना। हाँ अभी इसमें तनी भी बनेगी, तब जाके फर्स्ट क्लास वाला कवर बन जाएगा ये। तो ये ऐसा था रात में बिछाने के लिए, ठीक है बच्चे के लिए, कवर धोने के लिए भी निकल जाता है ना। ठीक है वैसे, दूसरा लेके आने। तो एक तो बन गया है और दूसरा बना रही है, तो देखती हूँ मैं कहाँ है वो रखा हुआ, यहाँ है क्या? ये 2 हैं ये, इनको देखते हैं, आपको दिखा रहे हैं, ये देखो ये बच्चा पार्टी खा रही है यहाँ पे खाना। रवि शर्माता है, रवि शर्मा है, ये मिष्टी देख रही है, मिष्टी तो उड़ गई बेचारी, ओ मिष्टी मिष्टी उड़ गई। धूप अच्छी खिल रखी यहाँ पे, ये हैं 2 गद्दे, ये 2 गद्दे और लेके आ गए मैं यहाँ पे, ये वाले दोनों में से देख लिया था किसमें होगा किसमें नहीं होगा। ठीक है आ रही हूँ मैं भी, जाती हूँ खाना खाने। ये तो दिखते हैं काम करने वाले, यहाँ पे रीना राख छान रही है, क्योंकि हम जो बर्तन है वो राख से ही धोते हैं। तो ये देखिए ये अपना मुंह छुपा रही है, बेचारी शर्मीली सी लड़की है ये। मेरे मुंह धो भी लगा है 2 बार। अच्छा कोई बात नहीं, जब मुंह धो देगी ना तभी अपना चेहरा बता देगी ये। हाँ।
तो राख चल रही है, देखिए राख, राख से ना बर्तन एकदम साफ आते हैं, साफ सुथरे, विम बार भी कम इस्तेमाल होगा।